नौतपा में पड़ रही है जानलेवा गर्मी। 50 डिग्री वाले टॉर्चर से परेशान उत्तर भारत, गर्मी का ये सबसे प्रचंड रूप है। एक साथ गर्मी का दो तरफा वार हो रहा है। हीट वेव के कहर के साथ पसीने वाली गर्मी जानलेवा साबित हो रही है। इंसान परेशान है, इसके साथ बेजुबानों पर हीट स्ट्रेस का असर पड़ रहा है। भयंकर गर्मी के बीच डॉग्स आक्रामक हो गए हैं। अहम सवाल है, गर्मी में आखिर क्यों बढ़े डॉग बाइट्स के मामले। तस्वीरें नोएडा की है। नोएडा के जिला अस्पताल सहित सभी CHC PHC में एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। हॉस्पिटल में एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी है। जैसे यहाँ पर भीड़ है, उसे देख के लगता है मेरे को कि ज्यादा ही केसेस आ रहे हैं, बट रीजन क्या है ये तो बता ही नहीं सकते हम। सारे हूँ आ रहा कुत्ते मार्केट में, सोम बाजार में, हाँ काटते रहता किसी न किसी को, बहुत है। गर्मी के पहले नोएडा के जिला अस्पतालों में रोजाना 100 एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए जा रहे थे। मई के महीने में एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाने वालों की संख्या 150 के पार पहुंच चुकी है। डॉग बाइट्स के बढ़ते केस की वजह बढ़ती गर्मी को बताया जा रहा है। कई महीने से तो 100 पर डे का था, पिछले महीने से ये 130 पर डे हो गया है और अभी 5-6 दिनों से इसकी संख्या बढ़ गई है तो 150 के ऊपर पहुँच गए। अमेरिका के पेन स्टेट यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक गर्मी के दिनों में डॉग्स में कोर्टिसोल हार्मोन तेजी से बढ़ जाता है। कोर्टिसोल हार्मोन तनाव बढ़ाने वाला हार्मोन है, इसकी वजह से डॉग्स का व्यवहार असामान्य हो जाता है। ताजनगरी आगरा में आम लोगों को डॉग बाइट से बचाने के लिए नगर निगम की तरफ से बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ डॉग्स का वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है। आगरा नगर निगम पूरी गर्मी वैक्सीनेशन अभियान चलाएगी। एक दिन में 50 डॉग वैक्सीनेशन का लक्ष्य भी तय कर लिया गया है। वैसे एक अनुमान के मुताबिक ठंड और बारिश के मौसम की तुलना में डॉग बाइट के मामले गर्मियों में 11% बढ़ जाते हैं। समस्या बड़ी है और ऐसे हालात में लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। नौतपा में पड़ रही है जानलेवा गर्मी। 50 डिग्री वाले टॉर्चर से परेशान उत्तर भारत, गर्मी का ये सबसे प्रचंड रूप है। एक साथ गर्मी का दो तरफा वार हो रहा है। हीट वेव के कहर के साथ पसीने वाली गर्मी जानलेवा साबित हो रही है। इंसान परेशान है, इसके साथ बेजुबानों पर हीट स्ट्रेस का असर पड़ रहा है। भयंकर गर्मी के बीच डॉग्स आक्रामक हो गए हैं। अहम सवाल है, गर्मी में आखिर क्यों बढ़े डॉग बाइट्स के मामले। तस्वीरें नोएडा की है। नोएडा के जिला अस्पताल सहित सभी CHC PHC में एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। हॉस्पिटल में एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी है। जैसे यहाँ पर भीड़ है, उसे देख के लगता है मेरे को कि ज्यादा ही केसेस आ रहे हैं, बट रीजन क्या है ये तो बता ही नहीं सकते हम। सारे हूँ आ रहा कुत्ते मार्केट में, सोम बाजार में, हाँ काटते रहता किसी न किसी को, बहुत है। गर्मी के पहले नोएडा के जिला अस्पतालों में रोजाना 100 एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए जा रहे थे। मई के महीने में एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाने वालों की संख्या 150 के पार पहुंच चुकी है। डॉग बाइट्स के बढ़ते केस की वजह बढ़ती गर्मी को बताया जा रहा है। कई महीने से तो 100 पर डे का था, पिछले महीने से ये 130 पर डे हो गया है और अभी 5-6 दिनों से इसकी संख्या बढ़ गई है तो 150 के ऊपर पहुँच गए। अमेरिका के पेन स्टेट यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक गर्मी के दिनों में डॉग्स में कोर्टिसोल हार्मोन तेजी से बढ़ जाता है। कोर्टिसोल हार्मोन तनाव बढ़ाने वाला हार्मोन है, इसकी वजह से डॉग्स का व्यवहार असामान्य हो जाता है। ताजनगरी आगरा में आम लोगों को डॉग बाइट से बचाने के लिए नगर निगम की तरफ से बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ डॉग्स का वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है। आगरा नगर निगम पूरी गर्मी वैक्सीनेशन अभियान चलाएगी। एक दिन में 50 डॉग वैक्सीनेशन का लक्ष्य भी तय कर लिया गया है। वैसे एक अनुमान के मुताबिक ठंड और बारिश के मौसम की तुलना में डॉग बाइट के मामले गर्मियों में 11% बढ़ जाते हैं। समस्या बड़ी है और ऐसे हालात में लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है।